सबसे पहले अपना फ्रेम बना लीजिए आधा इंच की पत्ती में, जो भी आपका साइज है। और इसमें हम सुराख करेंगे 150 का पत्ती में, 150 का सुराख। पहले हम जाली बिछा कर उसके ऊपर फ्रेम रख कर अपना, और दो साइड से नॉर्मल ही आधा इंची हमें जड़ लेनी है जाली। दो तरफ से नॉर्मल ही जड़ने के बाद थोड़ी हल्की हल्की खींच के जड़ लें जाली को। बाकी फालतू कट जाएगी। इतनी भी ना खींचे कि पत्ती दब जाए। ये हमारे रिजवान भाई अपने हिसाब से खींचते बढ़िया करके। हल्की खींच कर, ज़्यादा बड़ा फ्रेम है तो खींच कर सपोर्ट लगानी ज़रूरी है बीच में। कैंची से भी काट सकते हैं हम। जाली टाइट है बिल्कुल। इस तरह के पेच इन दोनों में से हम कोई सा भी पेच लगा सकते हैं। ये अपना गोटी वाला पेच है, डायरेक्ट स्टील में कस जाता है, सुराख करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। और एक हमारा ये है, इसमें ऑलरेडी बिट बना हुआ आता है, एक सुत का पेच होता है ये। स्टार बिट से हम ड्रिल मशीन से डायरेक्ट ही खींच देंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हमें दो साइड जाली के पेच लगा लेने हैं। डायरेक्ट ही लग जाएगा ये पेज अगर 304 का पाइप होएगा तो।
पत्ती निकाल देनी है बाद में। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जाली जड़ सकें सही से। पत्ती तोड़ने से पहले एक सुराख कर लेना, ये वाला बीच में। हल्का टेपर लेके हाथ का पैर खींचेगी जाऊंगी। जाली कंप्लीट है। तो दोस्तों जाली बिल्कुल टाइट है, आपको जैसे मैंने दिखाया है उसी तरीके से लगाओ, बिल्कुल टाइट है जाली। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जाली लगानी है, ऐसी ही लगाओगे तो बढ़िया लगेगी और बहुत ही आसान है। अगर हाँ 202 का अपना पाइप होता है तो उसमें एक आटके से आप सुराख कर लीजिएगा पहले, उस पेच को जब ही लगाइएगा, वरना वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। 8-1 का जो आता है 100 वाला, तो इसी तरीके से लगाइएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे।